हरियाणा में कल विधानसभा चुनाव को लेकर मतगणना होगी। प्रदेश के करीब 1031 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है, जिनके भाग्य का फैसला कल होगा। फिलहाल सभी ईवीएम कड़ी सुरक्षा निगरानी में रखी गई हैं। पानीपत, नूह, सोनीपत, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर में तमाम सुरक्षा व्यवस्थाओं का खबरें अभी तक की टीम ने जायजा लिया और कल की मतगणना को लेकर तैयारियां कैसी है, हमारे संवाददाताओं की ये रिपोर्ट देखिए। विधानसभा चुनाव 2024 की वोटिंग के बाद अब ईवीएम मशीनें को स्ट्रॉन्ग रूम में रख दिया गया है पूरी सुरक्षा के बीच। इस वक्त हम आरएपीजी कॉलेज के कैंपस में है। ये स्टेडियम की तरफ का मैदान है जहां पर इस बिल्डिंग के अंदर इसराना विधानसभा की ईवीएम रखी गई है। सुरक्षा व्यवस्था की हम बात करें तो कई लेयर यहां पर बनाई गई है, जिसमें स्थानीय पुलिस के अलावा सेना के जवान भी यहां पर मौजूद हैं, जो दिन रात चौकसी के साथ इन ईवीएम मशीनों की देखरेख कर रहे हैं। लगातार जो है प्रशासनिक अधिकारी इन स्थल का दौरा कर रही है, लगातार जो प्रशासनिक अधिकारी है इस जगह का जायजा ले रहे हैं। अभी अभी कुछ देर पहले इसराना डीएम ज्योति मित्तल यहाँ पर पहुंची थी, अधिकारियों से बातचीत की, सुरक्षा का व्यवस्था का जायजा लिया। वहीं इसराना विधानसभा की ईवीएम मशीनें यहां पर रखी गई है, और अगर बाकी की तीन विधानसभाओं की बात करें तो सामने जो बिल्डिंग आर्य कॉलेज की दिखाई दे रही है, वहां पर पानीपत शहरी विधानसभा की ईवीएम वहां पर रखी गई है सुरक्षा के बीच। इसके अलावा इसी बिल्डिंग के पीछे हम बात करें तो संभाल का विधानसभा और पानीपत ग्रामीण विधानसभा की जो ईवीएम है वो यहाँ पर रखी गई है। मैं फिर से सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। सेना के जो जवान हैं, स्थानीय पुलिस है, कई लेयर में यहाँ पर ईवीएम मशीनें की सुरक्षा के लिए उनको लगा दिया गया है, और किसी भी व्यक्ति को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। सिर्फ सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर लोगों की जाँच की जाती है, उसके बाद ही लोगों को अंदर जाने दिया जाता है। जो अधिकारी अधिकृत है वो सिर्फ अंदर जा सकते हैं। इसके अलावा इस पोर्शन से आगे न तो मीडिया कर्मी न ही कोई आम जनता आगे जा सकती है। पूरी सुरक्षा के बीच पानीपत की चारों विधानसभाओं की ईवीएम जो मशीनें हैं वो यहां पर रखी गई। मैं फिर से दिखाना चाहूंगा, इस बिल्डिंग के अंदर जो है वो पानीपत के जो इसराना विधानसभा है उसकी मशीनें हैं, और पूरी सुरक्षा के बीच कई लेयर की यहाँ पर बैरिकेटिंग की गई है। जवान यहां पर तैनात है, स्थानीय पुलिस के जवान यहां पर तैनात है, तो कई लेयर की सुरक्षा व्यवस्था के बीच काफी तेजी के साथ ये लोग ड्यूटी कर रहे हैं। और अब से कुछ देर पहले इसराना की एसडीएम ज्योति मित्तल अंदर गई थी, अधिकारियों से कर्मचारियों से बातचीत करने जा रही है, क्योंकि कल यहाँ पर जो काउंटिंग प्रक्रिया है वो पूरी शुरू हो जाएगी। और वहीं हम दूसरी तरफ बात करें तो जो टेंट यहाँ पर लगा हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर तमाम पार्टियों के कार्यकर्ता और नेता जो है वो मुस्तैदी के साथ यहाँ पर दिन रात डटे हुए हैं सुरक्षा को लेकर। उन लोगों को कहीं ना कहीं फिर भी डाउट है, तो ये सामने जो टेंट है वहाँ पर तमाम, वो चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, तमाम पार्टियों के नेता यहाँ पर मौजूद है। मैं फिर से दिखाना चाहूँगा, सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से मुस्तैद है, किसी प्रकार के कोई बाहरी व्यक्ति को अंदर जाने नहीं दिया जाता। यहाँ पर पास अलाउड है, उसके बाद पास चेक करने के बावजूद ही लोगों को अंदर जाने दिया जा रहा है। तो पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पानीपत की चारों विधानसभाओं की जो ईवीएम मशीनें हैं वो आरएपीजी कॉलेज के इस कैंपस में यहाँ पर रखी गई है, जिनकी कल अकाउंटिंग शुरू होगी और कल ही उम्मीदवारों की किस्मत का पिटारा खुलेगा। चुनाव के बाद यहाँ नूह के शहीद लेफ्टिनेंट करंट शेखावत राजकीय महिला महाविद्यालय में स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं। नूह जिले के तीनों विधानसभाओं के जो यहाँ ईवीएम रखे गए हैं यहाँ पे स्ट्रांग रूम में, वो पूरी सुरक्षा के बीच रखे हुए हैं। मात्र अब कुछ ही समय बाकी है मतगणना को लेकर, लेकिन जहाँ पर ईवीएम मशीनें रखी गई हैं यहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। नूह जिले में नूह विधानसभा, फिरोजपुर झिरका विधानसभा और पुनहाना विधानसभा आती हैं। यहाँ पे तीन विधानसभाओं के लिए एक ही साथ शहीद लेफ्टिनेंट किरण शेखावत राजकीय महाविद्यालय में स्ट्रांग रूम बनाया गया है। आज स्ट्रांग रूम की जहां पर पूरी तरह से मेवात के जो उपायुक्त हैं धीरेन्द्र खड़गड़ा जी और मेवात पुलिस कप्तान हैं विजय प्रताप जी पूरी तरह से यहां पर निगरानी बनाए हुए हैं। समय समय पर जिले के आला अधिकारी भी स्ट्रांग रूम की जांच के लिए आ रहे हैं। यहां पर आप देख सकते हैं पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है, और जो जिन अधिकारियों की यहां पर ड्यूटी लगी हुई है वो लगातार स्ट्रांग रूम में निरीक्षण कर रहे हैं, और यहां पर
पूरी जो ईवीएम मशीन है वो सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से महफूज रखी गई है, जिसको लेकर लगातार जिले के आला अधिकारी भी समय समय पर यहाँ पर आ रहे हैं। अब चंद ही समय जो कुछ बाकी है, कल सुबह 6 बजे से यहाँ सारे अधिकारी आएंगे और ईवीएम मशीनों में किस्मत यहाँ पे जिले के 21 जो उम्मीदवार हैं उनकी किस्मत है वो कल खुलेंगी और किसके सर ताज बंधेगा और किसको निराशा मिलेगी ये तो कल ही पता चलेगा। लेकिन यहाँ पे जो ईवीएम मशीन है फिलहाल इनकी सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं और यहाँ के शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल शेखावत महाराज के महिला महाविद्यालय में जो स्ट्रॉन्ग रूम बनाए गए हैं यहाँ पर कड़ी सुरक्षा के लिए पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती की गई है। अब ये तो कल ही पता चलेगा कि मेवात में तीनों सीटों पर क्या होता है, लेकिन पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए हुए है। नूह से आस मोहम्मद, खबरें भी। आखिरकार कुछ घंटों के बाद वो घड़ी आ जाएगी जिसका सभी राजनीतिक दलों और खासकर उन उम्मीदवारों को इंतजार है जिसका पिछले लंबे समय से वो इंतजार कर रहे थे। हालांकि दावा सभी पार्टियां बहुमत का कर रही हैं, एग्जिट पोल इशारा किससे और कर रहे हैं, लेकिन सत्ताधारी पार्टी रही बीजेपी ये कह रही कि हम एग्जिट पोल पर यकीन नहीं कर रहे हैं और 8 तारीख को स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। फिलहाल तस्वीरें सोनीपत के बिट्स कॉलेज की हैं जहां पर वो सभी ईवीएम मशीन रखी गई हैं जिनमें 65 उम्मीदवार जो सोनीपत से थे उनका भविष्य कैद हो चुका है। कुछ घंटों के बाद रुझान आने शुरू हो जाएंगे और उसके बाद कल लगभग इस समय तक तस्वीर साफ हो जाएगी कि इस बार कौन सा प्रत्याशी जीत कर विधानसभा तक पहुंचेगा। अगर बात कर ली जाए तो 3 लेयर सिक्योरिटी की व्यवस्था की गई है, आप देख सकते हैं पुलिस की कड़ी निगरानी में सभी ईवीएम मशीन रखी गई है, सीसीटीवी जो कैमरे हैं वो लगाए गए हैं। इसके अलावा बीएसएफ सीआरपीएफ और जो बात करी जाए यूपी पुलिस के जवान है उनकी भी तैनाती यहाँ पर है। 14 जो 6 सेंटर बनाए गए हैं, इसके अलावा 14 टेबल लगाई गई हैं, 14 से 15 राउंड बताए जा रहे हैं। सोनीपत शहर विधानसभा में सबसे ज्यादा बूथ थे तो वहां से 15 से 16 राउंड जो काउंटिंग के वो हो सकते हैं। कहीं ना कहीं हम बात कर ली जाए तो राजनीतिक दल जिसमें मुख्य दल कांग्रेस और बीजेपी है वो ये दावा कर रहे हैं कि अब की बार वो सरकार बना रहे हैं, लेकिन जो एग्जिट पोल है वो कुछ और बता रहे हैं। और कहीं ना कहीं हम ये बात कहें कि कल इस समय तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, सुबह 8 बजे जो काउंटिंग वो शुरू हो जाएगी। फिलहाल तस्वीरें आप देख सकते हैं कि बगैर चेकिंग किसी को भी अंदर जाने की अनुमति यहां पर नहीं है, सभी की चेकिंग के बाद ही अंदर जाने दिया जा रहा है। ईवीएम मशीन के लिए एक कंट्रोल रूम बनाया गया है जहां पर सभी की निगरानी की जा रही है। एडीसी एसडीएम और इसके अलावा डीसी यहां का जो निरीक्षण है वो कर चुके हैं, सोनीपत कमिश्नर भी यहां का निरीक्षण कर चुके हैं और खासकर जो बात कर ली जाए सोनीपत 6 विधानसभा सीटों की सभी के सभी काउंटिंग बिट्स कॉलेज के अंदर ही होगी, सभी के सभी अलग पॉइंट हैं और यह देखना अब लाजमी होगा कि कल जो रुझान सामने आने शुरू होंगे उसके बाद कौन कौन से प्रत्याशी अब की बार चंडीगढ़ पहुंचेंगे और सरकार का ताज इस बार कौन सी पार्टी के सिर सजेगा। सोनीपत से नितिन आंतिल, खबरें अभी तक। हरियाणा प्रदेश की जनता अपनी नई सरकार चुनने जा रही है और जितने भी प्रत्याशी हैं यमुनानगर जिले के जितने भी प्रत्याशी हैं उनकी किस्मत अब ईवीएम में कैद हो चुकी है। यमुनानगर की 4 विधानसभा हैं, यमुनानगर जगाधरी सढ़ौरा और रादौर जो विधानसभा हैं उनके ईवीएम के स्ट्रांग रूम जो है वो यमुनानगर की आईटीआई में बनाए गए हैं। इस समय मैं आईटीआई के काउंटिंग सेंटर में खड़ी हूँ। एक बार तस्वीरें देखिए कि यहाँ पर कल जो काउंटिंग होनी है उसके लिए तैयारियां जो हैं वो जोरों शोरों से चल रही हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो हैं यमुनानगर प्रशासन की ओर से किए गए हैं। ईवीएम को 3 लेयर की सुरक्षा के बीच में रखा गया है और यहीं पर जो है वो कल काउंटिंग होगी, उसके लिए जो है सभी तैयारियां की जा रही हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक नेट की तरह से ये लगाया गया है और उसके पीछे चेयर्स की व्यवस्था की गई है जहाँ पर नंबर जो है वो लिखे गए हैं और जितने भी प्रत्याशी हैं या फिर प्रत्याशियों के नुमाइंदे हैं वो यहाँ पर बैठेंगे और कल जो है नतीजे घोषित हो जाएंगे। लगभग दोपहर के बाद उम्मीद है कि नतीजे घोषित हो जाएंगे और यमुनानगर जिले को जो है 4 नए विधायक मिल जाएंगे। यमुनानगर से खबरें अभी तक के लिए रजनी सोनी। कल विधानसभा चुनावों की काउंटिंग को लेकर पूरी तैयारियां हैं, प्रशासन पूरे दमखम से जुटा हुआ है। इस समय हम
कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में पहुंचे हैं। यहाँ पर शाहबाद व लाडवा की काउंटिंग होगी। थ्री लेयर में जो है ईवीएम मशीनों को रखा गया। मेरे पीछे देखा जा सकता है किस तरह से जो है कड़ी सुरक्षा के बीच जो है ईवीएम मशीनें जो है कड़ा पहरा दिया जा रहा है, जहाँ की कल जो है काउंटिंग शुरू होगी। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के जो कम्युनिटी हॉल में लाडवा व शाहबाद की काउंटिंग होगी। लाडवा की सीट की यदि बात की जाए तो लाडवा की सीट जो है सबसे हॉट सीट कही जा रही है। यहाँ कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सैनी का मुकाबला कांग्रेस के मेवा सिंह से है। इसके अलावा शाहबाद की यदि बात की जाए तो शाहबाद में जो है कांग्रेस के रामकरण काला जो है वो सुभाष कलसाना जो कि भाजपा के प्रत्याशी हैं उन्हें जो है कड़ी टक्कर देते हुए नजर आए थे। विधानसभा चुनाव में यदि वोटिंग की बात की जाए तो लाडवा में 72%, शाहबाद में 59%, पेवा में 68 व थानेसर में जो है 65% जो है मतदान हुआ है। थानेसर सीट की भी पर भी जो है कांटे की टक्कर कही जा रही है। यहाँ जो है पूर्व मंत्री सुभाष सुधा और कांग्रेस के अशोक अरोड़ा के बीच कांटे की टक्कर कही जा रही है। कल जब ईवीएम मशीनें खुलेंगी तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि जनता ने जो है किसे विजयश्री का ताज पहनाया है और किसे का जो है चंडीगढ़ भेजने का जो है रास्ता साफ किया है। कुरुक्षेत्र से राजीव अरोड़ा, खबरें अभी तक।